आज कार्तिक की पूर्णमासी के पवित्र दिन गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व मना रहे सभी देशवासियों और दुनिया भर में रह रहे अन्य भारत के लोगों को मेरी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और लख लख बधाइयां। गुरु नानक देव जी का जीवन और शिक्षाएं संपूर्ण मानवता के लिए प्रेम, करुणा, समता और भाईचारे का आदर्श प्रस्तुत करती है। अपनी सरल और सरस वाणी में उन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया और ऊंच नीच जात पात की भावना तथा कर्म कांड से दूर हटकर सर्वदा भला का संदेश दिया। 15वीं सदी के दौरान भारत में जात पात और ऊंच नीच की कुरीतियां फैली हुई थी, अज्ञान का अंधकार फैला हुआ था। ऐसे कठिन समय में तलवंडी साहब के पास राय भोई में एक तेजस्वी बालक का उदय हुआ। सतगुरु नानक प्रकटिया, मिटी धुंध जग चानन होया। गुरु नानक देव जी हम सभी के दिलों में बसते हैं। वे हमारी साझी धरोहर है। वे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाने वाली विभूति है। उन्होंने सत, संतोष, दया, निम्रत और प्यार पर आधारित एक ऐसा समाज बनाने के प्रयास किए जिसमें सभी बराबर हों। गुरु नानक देव जी ने मानवता को नाम जपो, किरत करो, वंड छको का महामंत्र दिया, जिसका अर्थ हम सब लोग जानते हैं। ईश्वर का नाम जपो, ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करो और जो कुछ भी कमाई करो उसे लोगों के साथ मिल बांट कर छको। अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने जीवन में इन आदर्शों को ढालकर समाज की विषमताएं दूर करने में जुट जाएं। मैं एक बार फिर आप सबको गुरुपूरब की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, मैं उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु जी फतेह।